ग्वालियर पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्थानीय पत्रकारों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के चुनाव से जुड़ी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ग्वालियर भाजपा की तपोभूमि है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजमाता सिंधिया और अटल जी की कर्म भूमि है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ग्वालियर आने का अवसर मिला। उन्होंने पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं को दिए जाने के मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के निर्णय का जमकर हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार ने आम जनता के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता से आह्वान किया कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर वे भाजपा का साथ दें। उन्होंने पिछले दिनों उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन के विरुद्ध दिए गए बयान की भी आलोचना की। सुनिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को। वन नेशन वन इलेक्शन का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इससे यानी देश की प्रगति और ज्यादा बढ़ेगी। तो एक साथ पे इलेक्शन के कारण जो बार बार इलेक्शन होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं, इससे डेवलपमेंट के लिए हर्डल क्रिएट हो जाता है। तो इवन द ह्यूमन रिसोर्स एंड द फाइनेंशियल्स एक ही साथ होने के कारण उसका बहुत फायदा देश के लिए हो जाएगा। भारत नाम तो पहले से है, 1947 से लेके आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारत था और हर जगह भारत नाम को पहले से यूज किया जाता था। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री, उन्होंने जो आईएनडी डॉट का गठबंधन है उसको लेकर कहा है कि मांग है कि हमें भारत में विलय किया जाए। पीओके की बाद में बताता हूँ, आप यात्रा भी चल रही है, साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक जनदर्शन यात्रा भी था। तो जब पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता केंद्र के राज्य के जनआशीर्वाद यात्रा में आप भी शामिल होने आए, फिर ये पैरेलल में यात्रा। जनआशीर्वाद यात्रा तो 5 जगह से निकली है। मध्य प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और हर जगह तो मुझे लगता है कि हमारे सभी नेता लोगों का आशीर्वाद देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में यात्रा स्टार्ट हुई है। सामूहिक नेतृत्व से हम आगे जा रहे हैं। हर जगह पे हमारा डिफरेंट लीडर्स जो हर डिस्ट्रिक्ट में जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों का आशीर्वाद मांग रहा है। मैंने बोला कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में सामूहिक नेतृत्व से यानी जन लोगों का आशीर्वाद मांगने के लिए आगे जा रहे हैं। आपने उपलब्धियां गिनाई, शिवराज सरकार की विकास की उपलब्धियां गिनाई, महाकाल मंदिर भी आप दर्शन करने गए थे, लेकिन सामने वाले लोग तो ये कह रहे हैं कि महाकाल मंदिर में भी घोटाला कर दिया है और 50% कमीशन वाली सरकार। मुझे लगता है कि जो घोटालेबाज हैं उनको ही घोटाले दिख गए हैं। जिस सरकार ने इतना बड़ा काम किया है, अपनी सरकार जो है कि रिपोर्ट सामने रखती है, और 5 दिन पहले हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमारे 5 साल के टेन्योर का रिपोर्ट लोगों के सामने रखा है। जो हम बताते हैं उसका हम रिपोर्ट देते हैं। मुझे लगता है कि रिपोर्ट की कॉपी आप तक भी पहुँची होगी। आप लोगों ने भी द सेम कॉपी, मैं बता रहा हूँ कि सेम कॉपी जो हमने बताया था वही काम हमने सबको दिया है, इसलिए जो हम बताते हैं वो हम करते हैं। अब मेरा प्रिंट के उसको खत्म करने के लिए बना है, आपका कहने में इसके बारे में? मुझे लगता है ये इंडिया अलायंस बना है, विच इज अगेन द यूपीए ने अपना नाम बदला है, विच इज एक्चुअली न्यू वाइन इनटू द ओल्ड बॉटल, सेम है। और इस तरह का नाम बदलने से नीति बदलती नहीं है, नीयत बदलती नहीं है, और इनका एजेंडा है कि सनातन हिंदू धर्म खत्म करना, यही उनका एजेंडा है। मैं तो कहता हूँ कि हर एक हिंदू धर्म ने इनका विरोध करना जरूरी है। जिस तरह का अपमानक शब्द और ख़त्म करने की बात उन्होंने की, वो अपमानित शब्द मैं मेरे मुंह से उच्चारना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज सभी हिंदू लोगों ने जाग उठना चाहिए और इनकी जगह उनको दिखानी चाहिए, विच इज अ प्री प्लान स्टेटमेंट मेड बाय दैट वन हु और द जो कोई स्टालिन बिलिंग है, उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट किया,
इंडिया अलायंस की उनकी बैठक मुंबई में होती है और उसी वक्त जिस तरह से वो स्टेटमेंट करता है और वे लिखित रूप से स्टेटमेंट लाया था, ऐसे ही नहीं है, लिखित रूप से ला के स्टेटमेंट किया है। मैं तो सबको आह्वान करता हूँ कि सनातन हिंदू धर्म जिनको मुगल न मिटा पाए, जिसको इंग्रज न मिटा पाए, डच पुर्तगाल न मिटा पाए, इस सनातन हिंदू धर्म को मिटाने के कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको खत्म करना लोगों ने बहुत जरूरी है।